अब बर्नोली ट्रायल हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बात तो ये कि पता कैसे चले कि बर्नोली ट्रायल है या नहीं है। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है कि जैसे आपने कॉइन थ्रो किया तो दो चीजों के बारे में बात हो। नंबर एक, या तो जो चीज आ रही है जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो होगी या वो नहीं होगी, बस दो। यानी कि जैसे मैंने कहा कि भाई हम दो बंदे हैं और हेड टेल खेल रहे हैं, और अगर मैं हेड आ गया तो मैं खेलूंगा पहले। क्रिकेट में होते हैं ना, जनरली होता है ना ऐसे बेटा। हाँ, आवाज आ रही है बेटा? हाँ, तो अगर मैं कहता हूं कि कॉइन थ्रो हुआ और उसमें हेड आ गया, क्या आ गया मेरे बेटा? हेड आ गया, तो उसमें मैं जीत गया और मैं पहले क्रिकेट खेलूंगा या मैं पहले खेलूंगा। क्लियर? यस सर। और अगर हेड नहीं आया तो मैं हार गया, यानी कि फेलियर। तो सक्सेस एंड फेलियर, पास होना एंड फेल होना, ठीक है? यस सर। तो यहां पर कितनी बार किसी चीज के बारे में बात होगी, या तो सक्सेस या फेलियर, नंबर एक। दूसरा, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इनफाइनाइट बार तक खेलते रहेंगे। जो ट्रायल्स होंगे, ट्रायल का मतलब जितनी बार वो चीज, वो इवेंट होगी, वो नंबर ऑफ टाइम्स आपके फाइनाइट होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा वो नंबर ऑफ टाइम्स? फाइनाइट होने चाहिए। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो सबसे पहली चीज आती है इसमें, नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होने चाहिए? काउंटेबल है ना, काउंटेबल, दो तीन चार दस पचास सौ, आप गिन सको, आप बता सको। ओके, सेकंड वाला इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब जानते हैं? यस सर। कि इंटरसेक्शन जो होगा उनका, वो उनके अलग अलग के प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? यस सर। नंबर तीन, जो आउटकम्स हों, जो आउटकम्स हों वो केवल दो तरह के हों। नंबर एक, या तो वो सक्सेस के बारे में बात करें या वो अपने फेलियर को लेकर चले। या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। और लास्ट बात ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो इवेंट के अंदर जितने भी ट्रायल आप कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी सेम फॉर ईच ट्रायल। वर्डिंग क्लियर? यस सर। एक बार रिपीट करें, एक बार ध्यान से देखें। दिख गया बेटा? यस सर। हो गया, आगे बढ़ू? यस सर, हो गया। अब इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते चलेंगे, ठीक है? पता लगाएंगे कि इसमें ये जो आप ले रहे हैं इसके अंदर बर्नोली ट्रायल लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है? इसे समझते हैं। आपने कॉइन लिया, क्या लिया बेटा? कॉइन, और उसको आपने 20 टाइम्स थ्रो किया। कितने टाइम थ्रो किया? 20, ठीक है। हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये बर्नोली ट्रायल है भी या नहीं। ओके, अब मुझे पता है कि वन कॉइन थ्रो पर अगर एक कॉइन थ्रो होता है तो उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालना चाहूं तो इसे पी बोलते हैं। एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, एक फेलियर, दो प्रोबेबिलिटी के बारे में बात होती है, सक्सेस एंड दूसरी फेलियर। तो सक्सेस के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं उसे पी से रिप्रेजेंट करता हूं,
और वो क्या मैं लिख दूं कि 1/2 होगा हेड आना? यस सर। बेटा आपने डाई थ्रो की और डाई थ्रो करते समय हेड आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी आप लिख रहे हैं तो 1/2 होगी। यस सर, कॉइन थ्रो करें। हाँ, और अगर हेड ना आए मतलब फेलियर, भाई हेड आएगा तो एक तरह से सक्सेस है, और हेड नहीं आया तो फेलियर हुआ ना मेरे बच्चों का। यस सर। तो वो होगा 1 - PK इक्वल, और वो भी 1/2। यस सर। इसमें आपको ये तो पता होगा ही कि P और Q दोनों का सम 1 आना चाहिए। यस सर। इससे पता चलता है कि एक कोई चीज पता है तो Q पता है तो 1 - P, और P पता है तो 1 - Q, ऐसे कर सकते हैं। P Q निकालने के लिए ऐसी चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं। यस सर। ठीक है, अब आप ये सोचो कि अगर आपने पहली बार कॉइन थ्रो किया और हेड आएगा 1/2, पता है आपको, अगर दूसरी बार थ्रो करोगे, दो बार थ्रो करोगे तब भी तो यही रहेगा बेटा। यस सर। तीन बार थ्रो करोगे तब भी 1/2 की प्रोबेबिलिटी आनी है, कितनी बार भी थ्रो कर लो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी हर बार। यस। पहला ये, दूसरा सक्सेस की अगर 1/2 है तो फेलियर भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है। यस सर। चलो अब ये बताओ इसमें आप कितने टाइम थ्रो कर रहे हो? 20। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनाइट टाइम हो गया। यस सर। अब एक चीज और सोचो कि अगर मैं ऐसा कह दूं कि आपने एक पॉइंट 5 times थ्रो किया, कितने टाइम? 5 times। उसमें से मुझे 4 times हेड चाहिए, या मैं कह दूं 3 times हेड चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ये जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है इससे निकाली जाती है। और आपको एक लिंक बना के देता हूं यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का। आपको याद है TR+1 आप निकालते थे, ये बाइनोमियल में होता था, NCR, याद है अपने को, x^(n-r, y^r, ये x + y^n के लिए था, जनरल टर्म का फॉर्मूला था ऐसा कुछ। yes, याद है मेरे बच्चों को बाइनोमियल थ्योरम में इस तरह का एक फॉर्मूला आया करता था। yes, जनरल टर्म निकालने। ठीक है, अब इसे कैसे लिंक करोगे? इसे ऐसे लिंक करोगे आप, एन हो गए टोटल ट्रायल्स, सही है बेटा, टोटल कितने हो गए? एन, जो टोटल ट्रायल है वो अपने कितने हो गए बेटा? एल। ठीक है, अब इसमें आर क्या है? सक्सेस की बात हो रही है। ओके, मतलब एन बार मैं थ्रो कर रहा हूं, मुझे आर बार सक्सेस होना है। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी, किसकी? सक्सेस की। क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी, किसकी? फेलियर। फेलियर। क्या मेरे को ये पी क्यू सब पता है? पी प्लस क्यू अपने को याद रखना है, आर हमेशा लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, आर हमेशा, आर की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू बेटा एन। एक अपने को एनसीआर भी याद रखना, ऐसे होता था, याद है मुझे बेटा? यस सर। अगर मैं NC0 की वैल्यू और NCN की वैल्यू निकालूं तो वो सेम होती है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं NCR और NCN-R इक्वल होते हैं। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने देखा था इस तरह, सही है बेटा? यस सर। आगे चलें बेटा। यस सर।
अब इस पे हम लोग एक पहले बहुत सिंपल सा लगाते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे थोड़े थोड़े टिपिकल पे। तो मैं पहले लेता हूं एक ऐसे ही कॉइन वाला जो अभी बात की थी, उसमें हमने कितने ट्रायल ले लिए थे, एक मिनट देख लेते हैं, उसी को हम आगे बढ़ लेते हैं। इसमें 5 बार थ्रो कर रहे हैं, 4 बार की बात हो रही है। ट्रायल थे, ट्रायल ऑफ कॉइन 5। सक्सेस किसको मान रहा हूं मैं? हेड को। कंडीशन 4 हेड, दूसरी कंडीशन 2 हेड, तीसरी कंडीशन एट लीस्ट 3 हेड, चौथी कंडीशन एट मोस्ट 2 हेड। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रायल किया जिसमें एक कॉइन को 5 बार थ्रो कर दिया। ठीक है, मैं कहता हूं कि मुझे ये जो मैंने 5 बार थ्रो किया है कॉइन, इसमें मुझे 4 बार हेड चाहिए। तो आप ये मानते हैं, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम पहली सिचुएशन से पहले, एन कितने ट्रायल हुए? 5 ट्रायल हो गए बेटा, एन टोटल ट्रायल्स 5 हो गए। Yes. इसके बाद अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यानी कि पीएच 1/2 होगी बेटा, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। Yes, बेटा अगर मैं यहीं पे पी के बाद पी डैश पे बात करूं, यानी कि मैं क्यू की बात करूं, तो 1-1/2 यानी कि टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी मेरे बच्चों। Yes, sir. कोई डाउट है इस बात पे? No, sir. ठीक है, अब पहले केस के लिए आर कितना बोल दिया बेटा? आर कितना बोल दिया? 4। कितना बोला? 4। मतलब उसने कहा 5 बार थ्रो कर रहे तो 4 बार हेड आना चाहिए। तो इसके लिए पी आर इक्वल टू 4 इक्वल टू एन सी आर, पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर, ये इस तरह का यूज करना है मुझे। और ये हो गया है अपने पास पी आर इक्वल टू 4 के लिए 5c4 हाफ पावर 4 एंड हाफ पावर 5 माइनस 4 1 आएगा बेटा। यस एनसीआर, एन 5 बार हो रहा है, 4 मुझे यहाँ पर हेड चाहिए, पी मेरा 1/2 था, 1/2 की पावर आर, आर मेरा 4 है, फिर क्यू मेरा 1/2 है, उसकी पावर बेटा 5 माइनस 4 करके मेरा 1 बच जाएगा। क्या मैं समझ गया यहां तक? यस सर। चलो आगे बढ़ जाऊं? यस सर। बेटा ये 5c4 का मतलब 5 ही होता है, क्लियर है मुझे एनसीआर वाला? यस सर। बेटा क्या मैं इसको 1/2 की पावर सीधा 5 ही ना कह दूं? यस सर। मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाएंगी तो 5 हो जाएंगी दोनों मिलकर के, सही है बेटा? यस सर। तो मैं इसको एक बार अगर चाहूं तो और भी छोटा कर दूं, ऐसे लिख दूं, सही है बेटा? आया बेटा? यस सर। चलो बेटा बी के बारे में बात करें जी। उसने इस बार कितने मांगे हैं बेटा? 2 हेड। यस। तो अगर मैं अब की बार प्रायोरिटी निकालूं x इक्वल टू 2 के लिए, तो मुझे लिखना पड़ेगा 5c2 p पावर 2 और q पावर 3 नहीं बचेगी 5-2 करके बेटा। यस सर। ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहा हूं मेरे बच्चों। यस सर। सिंपलीफाई कर दे, 5 × 4/2 × 1, ये तो हो गया बेटा ये वाला 1/2 2 पावर 1/2 3 पावर। तो ये एक तरह से 10 × 1/2 पावर 5। यस तो हो जाना चाहिए मुझे लगता है। तो क्लियर है सबको यहां तक मेरे बच्चों? यस सर। चलो अब सी पार्ट इधर लगा लूं।
सी पार्ट क्या कहता है वो, उसने कहा एट लीस्ट कम से कम तीन होने चाहिए, तो यहां पे एक तरह से कह रहा है वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं और पांचों भी हो सकते हैं। भाई आपके तीन हेड कम से कम चाहिए उसको, तो आप तो ट्रायल कर रहे हो, आपका तीन भी आ सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं इस कंडीशन के लिए। यस तो मुझे क्या यूज करना है, देखो ऐसे p x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x की जगह वैसे r यूज होगा, सॉरी x r। तो मेरे बच्चों ये कैसे जाएगा, ये जाएगा 5c3 p पावर 3 q पावर 2, 5c4 p पावर 4 q पावर 1, 5c5 p पावर 5 q पावर 0। कैसा रहा? बढ़िया है। देखो एक बार निगाह दौड़ा के, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके बताएं, देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो यही आएगा अपना एक तरह से 10 इंटू 1/2 पावर 5, देखो ये 5 ही पावर रहेंगी इनकी, 1/2 है ना दोनों केस में बेटा। यस सर। अब दूसरे पे पहुंचते हैं, ये अपना 5 आएगा और 1/2 पावर मेरे बच्चों 5, ये अपना 1 होगा और 1/2 पावर 5। क्या मैं ऐसा मान लू कि 16 इंटू 1/2 पावर 5 हो जाएगा? देखो जरा, अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूं तो ये 10 प्लस 5 प्लस 1 बचा। Yes, sir. तो ये तो 16, ये काटा पीटी कर दूं अगर तो 1/2 ही तो रहा बेटा। Yes, sir. क्या मेरी बात समझ आ गई सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. चलो नोट कर लो, लास्ट वाला ट्राई अपने आप कर दो जरा। डी पार्ट बेटा अपने आप जरा एक बार ट्राई करो। फाइव बाई फोर। ओके चलो मैं इसको देखता हूं, है ना, ध्यान से देख लेते हैं। उसने कहा ज्यादा से ज्यादा दो चाहिए, मतलब जो आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, वो कह रहा है कि आर की वैल्यू दो या दो से कम चाहिए। यस सर। है ना बेटा, तो अब एनसीआर के हिसाब से इसे मैं कैसे लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा 5c2। 5c0 शुरू करूंगा बेटा, 5c0 p पावर 0 q पावर 5 प्लस 5c1। हाँ जी बेटा, तो मैंने माइनस कर दिया, मेरे को लगा घट रहा है तो वो भी माइनस हो जाएगा। अच्छा ये मैं करता हूं। आ रहा है मेरे बच्चों को समझ? यस सर। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि 1/2 की पावर 5 तो कॉमन ही रहेगा सबसे? Yes, ये आएगा 1 प्लस ये आएगा 5 प्लस ये आएगा 10, तो क्या आंसर फिर से 1/2 आ गया? Yes, sir. एक बार देख लेंगे मेरे बच्चे। आगे बढ़े? यस सर। चलिएगा, अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब है, जैसे अभी हम लोगों ने एक कॉइन जो है वो 5 बार थ्रो किया, ठीक है। तो मैं कहने लगूं कि हेड का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से बनाना है, बर्नौली ट्रायल एक तरह से दिखाना है हेड के। तो अब आप ये बताइएगा, इसे ऐसे जब मैं टेबल पे जाऊंगा, 5 बार के लिए बात हो रही बेटा,
ठीक है, तो यहाँ हेड के लिए बात हो रही है और यहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी। ट्रायल कितने बेटा? 5 ट्रायल्स थे, है ना। हो सकता है एक बार भी हेड ना आए, क्या कहते हो? एक बार भी हेड नहीं आया, ठीक है बेटा। ये एच ना लिख करके इसको एक्स ही लिख लेते हैं, हम पहले एक्स पढ़ के आए थे। अब हो सकता है एक हेड आए, दो हो सकते हैं, तीन हेड हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, और हो सकता है पांचों हेड आ जाएं। क्या ये लाइन मुझे क्लियर है यहां तक? हाँ जी बेटा। Yes, sir. अब इसी पे चर्चा करते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं इनको ऐसे ज्वाइन करा देता हूं। अब थोड़ा सा विचार बनाते हैं। जब आपका पहला केस होगा और मैं प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो की चर्चा करूंगा, पहला केस ये वाला, इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हेड एक बार भी नहीं आया है, ठीक है। हेड नहीं आ रहा, जब हेड नहीं आ रहा इसका मतलब हेड वाले की पावर तो जीरो बनेगी, आर तो जीरो हुआ ना अपना। यस सर। ये होगा ऐसे 5c0 पी पावर 0 क्यू पावर 5। क्या मैं बिल्कुल ठीक हूं? यस सर। तो बेटा एक तरह से ये अपने पास क्या बनेगा? क्यू पावर 5। क्या मैंने ठीक लिखा मेरे बच्चों? यस सर। तो मैं इसको लिख देता हूं क्यू पावर 5। एक पहला केस मेरा डन, क्लियर। यस सर। चलो अब मैं बी पार्ट, दूसरा पार्ट, यानी कि एक्स इक्वल टू 1 पे चर्चा करता हूं। एक्स इक्वल टू 1 बोल दो या इसे आर भी मेंशन कर सकते हो कि आर आप ट्रायल की सक्सेस पे बात करें। यस सर। यहां पर बेटा 1 होगा क्या? यस सर। एक हेड आ रहा है ना, और पी की पावर 1 होगी इस बार। यस सर। यहाँ पर अपना फिर से मेंशन कर लेता हूँ एक बार जरा, एन 5 होंगे, आधा होगा और क्यू भी आधा, ठीक है ना बेटा। और ये कॉइन के बारे में चर्चा चल रही थी। क्यू पावर कितनी लिख दो बेटा? 4। कोई डाउट? नो सर। तो बेटा ये होगा 5pq/4। तो यहां 5pq/4। नेक्स्ट सी पी एक्स इक्वल टू 2 पे चर्चा। इस बार आएगा देखो 5c2। यस सर। ठीक है ना बेटा। और पी पावर कितना? 2। क्यू पावर 3। क्लियर है? यस सर। आंसर होगा यहाँ पे ये देखो 10 बनेगा। याद है अपने को, हमने एक पढ़ा था 5c2 10 आता है। यस सर। और पी पावर क्यू पावर तो कुछ लिखने में अलग है ही नहीं, वही लिखना है। यस सर। आगे चले। यस सर। टी पार्ट, अब की बार एक्स कितना हो रहा है? 3। तो ये 5c 3, 15 पावर 3, क्यू पावर 2 और क्यू स्क्वायर। सही लिखा बेटा? यस सर। अब ये भी तो 10 ही था भाई, 5c2 5c3 दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वो था ना NC N-R और NCR इक्वल होते हैं। यस सर। और ये पी पावर 3 क्यू पावर 2, तो ये दोनों रिजल्ट्स अपने आए यहां पर p² q q p q q² अब आप कितने पे जा रहे हैं? 4 पर। इस बार 4 है, 5c4 p power 4 q power 1, ये 5 होगा और p q ऐसे जाएंगे। क्या मैंने ठीक लिखा? एक बार जरा देख लो बेटा। सही है बेटा? यस सर। चलो अब इसे भी मेंशन कर दो, 5p4 और q पावर 1 आ गया। नेक्स्ट अब देखिएगा p x कितना है इस बार? 5।
फाइव है yes, sir. तो ये होगा फाइव सी फाइव पी पावर फाइव क्यू पावर जीरो जीरो. तो मैं ऐसा मानता हूं कि फाइव सी फाइव और फाइव सी जीरो सेम थे, एन सी जीरो एन सी एन सेम होते, ठीक है yes, sir. मतलब ये भी वन हुआ. तो मुझे क्या लिखना है यहां पर, केवल पी पावर फाइव. तो यहां पी पावर क्या हो गया मेरा, फाइव हो गया. एक बार देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो बेटा. सही है बेटा, यस सर. आगे बढ़ जाऊं मेरे बच्चों? यस सर. अब आपको इसके हिसाब से अगर ये टेबल कंप्लीट करनी है तो एन भी है पी भी है मेरे पास और आर भी है. एन पी आर एन मैंने रख ही लिया, बस पी और क्यू की वैल्यू रखनी है, ठीक है ना, हो जाएगा आगे. यस सर. तो एक न्यूमेरिकल उठा ले क्या, एक क्वेश्चन उठा ले इस पे. यस सर. एक डाई है, उसके एट ट्रायल्स हो रहे हैं. कितने ट्रायल्स बेटा? एट ट्रायल्स. और जो सक्सेस है, सक्सेस है उसमें सिक्स ऑब्टेन की, मतलब अगर सिक्स आ गया तो सक्सेस है. तो सिक्स ना आना फेलियर हुआ ना. यस सर. अब देखो फाइंड करना है आपको, नंबर एक पी फोर सक्सेस फाइव सक्सेस ग्रेटर देन फाइव सक्सेस एंड लेस देन टू सक्सेस. क्वेश्चन क्लियर हो तो पहले बताएं, क्वेश्चन क्लियर है? समझ में आया बेटा कुछ? यस सर. चलो लगाओ इसको और कहीं कंफ्यूजन हो तो बात करते हैं. चलो बेटा अब इसको देखते हैं, ठीक है. पहली बात, यहाँ डाई थ्रो हो रही है आठ बार, इसका मतलब एन के बारे में अगर मैं बात करूं तो एट हो गया. यस सर. बेटा सिक्स आएगा तो सक्सेस है, मतलब पी की वैल्यू वन बाई सिक्स और क्यू की वैल्यू वन माइनस पी करने से फाइव बाई सिक्स. क्या इतनी बातें बिल्कुल क्लियर? यस सर. यस सर. अब उसने पहले केस में बोला कि भाई आर जो है वो चार है, मतलब आपको छह में से छह बार थ्रो, आठ में से आठ बार थ्रो रहे ना, चार बार आपको उसमें सिक्स दिखाना है, आना है, मतलब चार बार सिक्स आना है. तो इसके लिए केस बनेगा एट सी फोर पी पावर फोर फोर, ठीक है. तो मैं एक लाइन और एक चीज और लिख लेता हूँ, बाकी मैं छोड़ दूंगा. ये 1 by 6 पावर 4 दिखाएंगे आप एंड 5 by 6 की पावर भी 4 दिखाएंगे. क्या ये बातें क्लियर है? यस सर. दूसरे पे चलते हैं. जैसे यहां चार बार कह रहा है, यहां पांच बार बोला है ना बेटा. तो ये हो गया बेटा 8c5 p पावर 5 Q पावर 3 और इसको भी लिख लेते हैं 8c5 1 by 6 पावर 5 एंड 5 by 6 पावर 3. डन? यस सर. उसने कहा 5 से ज्यादा चाहिए, तो 5 से ज्यादा का मतलब है यहाँ पर R इक्वल टू 5 6 7 8. क्या ये बातें आएंगी?
यस बेटा भाई, फाइव या फाइव से ज्यादा, तो फाइव सिक्स सेवन एट डन। यस अब क्या करोगे, अब लिखोगे देखो ऐसे, एट सी फाइव पी पावर फाइव क्यू पावर थ्री, एट सी सिक्स पी पावर सिक्स क्यू पावर टू, एट सी सेवन पी पावर सेवन क्यू पावर वन, एंड एट सी एट पी पावर एट क्यू पावर जीरो। क्या मेरी बातें क्लियर नजर आ गई? यस सर। ये बेटा एट है यहाँ पर। अब आगे की कार्रवाई, ये वाला क्या कहता है, यहां पर कह रहा है p, देखो इसने कहा r की वैल्यू मुझे दो से कम चाहिए, दो या दो से कम, मतलब r यहां पर क्या हो सकता है, जीरो, r यहां पर वन, r यहां पर टू। यस यस सर। तो इसके लिए केसेस कैसे बनेंगे बेटा, इसके लिए केसेस बनेंगे अपने पास एट सी जीरो पी जीरो क्यू एट प्लस एट सी वन पी वन और क्यू सेवन प्लस एट सी टू पी टू क्यू सिक्स। देख लो एक बार, क्या ये बातें ठीक हैं? यस सर। आगे समझ में, आगे बढ़े? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास 10 वोल्ट है, ठीक है बेटा, कितने वोल्ट है, 10 वोल्ट है, ठीक। अब 10 वोल्ट में से उसने कहा कि भाई 15% डिफेक्टिव है, तो 85% गुड हुए, अच्छे वाले, क्यों बेटा? यस। अब आपसे कहा गया कि 3 बोल्ट निकाले जा रहे हैं, ठीक है, और तीनों के गुड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, पहली कंडीशन, तीनों के गुड होने की प्रोबेबिलिटी, क्या करोगे, यानी कि सक्सेस जो है वो किसकी है, गुड की है ना, या तो क्यों बेटा, ये विद रिप्लेसमेंट कंडीशन होती है, ध्यान रखना, विद रिप्लेसमेंट क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं करनी होती इसमें, याद है ना अपने को, प्रोबेबिलिटी बदलती नहीं है बेटा, चलिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10 में से कितने लेने थे बेटा, यस सर, और गुड वाले कौन है, 85% वाली प्रोबेबिलिटी यूज होगी, और बैड वाले कितने बच जाएंगे बाकी, वो तो ऐसे होगा क्या ये, यस सर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा, तो कई बार आपको ऐसे करके लिखा मिलेगा, ठीक है, तो इसमें एन और पी देते हैं, वो क्या देते हैं बेटा, एन एंड पी,
ये n होगा और ये आपका p होगा, तो इसका मतलब n कितना दे दिया, 6, p कितना दे दिया 1/2। यहीं से अगर q की बात कर ले तो ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, यस सर 1/2। ठीक है, अब देखिएगा इसमें भी कह रहा है फाइंड p x इक्वल टू 2, p x इक्वल टू 3, p x इक्वल टू 4, और इनमें मैक्सिमम बताना है। क्या बतानी है बेटा, तीनों में बाद में पहले सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद बताएंगे तीनों में मैक्सिमम कौन है, ध्यान से लगाएंगे बेटा। हो गया बेटा, चलो देखते हैं कैसे करना है। चलिएगा पहले एबीसीडी मेंशन कर, एबीसी। तो पहला केस है कि भाई आपको x इक्वल टू 2 कह दो या r इक्वल टू 2 कह दो, दो सक्सेस चाहिए, है ना? Yes, तो n कितना बेटा, 6, तो हमें यूज क्या करना है, 6 c2 t पावर 2 q पावर 4, ऐसे तो जाऊंगा। Yes, sir. अब वैल्यूज रख देते हैं, हो गया 1/2, 1/2, ये अपने पास तो 1/2 की पावर सीधा 6 ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये रिजल्ट यहाँ पर अपने पास कितना आएगा बेटा, 15, ये 15 बनेगा ना, और अपॉन में कितना 64। तो पहला आंसर समझ में आ गया होगा, क्लियर है सबको? Yes. अब बेटा इसकी चर्चा करते हैं, इसको देखते हैं। इस बार ये 63, p पावर 3 एंड q पावर 3 सेम रहेंगे। Yes, sir. 63 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 20। Yes, sir. और ये 1/2 पावर 3 और दूसरा भी 1/2 पावर 3, तो ये हुआ 20/64। मैं कैंसिल नहीं कर रहा अभी इसको, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये मैक्सिमम वाला भी तो देखना है ना। ये तो उसमें अगर एलसीएम, अगर एलसीएम सेम होगा तो थोड़ा लिखने में समझने में आसानी हो जाएगी, है ना बेटा? चलो इसके बारे में बात करते हैं। 6c4 क्या बेटा? Yes, sir. और अपने पास अब p की पावर कितनी हो जाएंगी, 4 एंड q पावर 2, तो ये तो अपना सेम बनेगा 15 64। तो अपना सेम रिजल्ट। यस सर। अब मैं देखता हूं कि तीनों के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो तीनों के अंदर मैक्सिमम वैल्यू तो ये वाली है बेटा। Yes. तो मैक्सिमम क्या हुआ अपना, 20/64, ये अपना मैक्सिमम, ठीक है ना? Yes, sir. लिख लो बेटा, done sir. नेक्स्ट, एक पेयर ऑफ डाइस जो है वो थ्रो हो रहा है, क्या थ्रो हो रहा है बेटा, पेयर ऑफ डाइस 4 times उसको मैं थ्रो कर रहा हूं, टोटल कितने टाइम थ्रो रहा है बेटा, 4 times। Getting a doublet
ये आपकी सक्सेस। सक्सेस क्या है? गेटिंग अ डबलेट। सक्सेस क्या है बेटा? जो डबलेट आ रहा है वो सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा? यस सर। अब देखिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहली कंडीशन थ्री सक्सेस, no more than two success, no less than two success। थोड़ा थ्योरी में घुमाने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन के अंदर, आप अपने हिसाब से ध्यान से सोच के करें। फर्स्ट, पहली बात तो मेरा एन कितना हुआ भाई? फोर है ना, चार ट्रायल हो रहे हैं। Yes. फिर उसने कहा डबलेट, वर्ड समझ में आ रहा है? डबलेट, डबलेट जानते हैं? डबलेट होता है ये वन वन टू टू थ्री थ्री, दोनों फोर आ जाए, दोनों फाइव एंड दोनों सिक्स। तो ऐसे कितने केस बन गए मेरे बच्चों के? सिक्स। भाई आप इन्हें देखेंगे तो देखो, टोटल जब पेयर ऑफ डाइस थ्रो होता है 36 बनते हैं। टोटल केस कितने होते हैं? 36। उस 36 में ये काउंट करने से पता चला कि भाई 6 केस ऐसे हैं जो डबलेट के। कितने केस हैं बेटा? सिक्स केसेस हैं। तो यहां आपकी जो सक्सेस की बात हो रही है, यानी कि पी अगर मैं निकालने पे जाऊं तो 6/36 1/6 मतलब सक्सेस की कंडीशन हो गई 6/36, काटा पीटी कर दिया, 1/6 आया। यस सर। कोई परेशानी बेटा? नो सर। ठीक है, अब आगे अगर मैं इसी पे चर्चा करूं क्यू के लिए तो मुझे 1-p लिखना पड़ेगा। यस सर। इसे दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते हो कि भाई 30 केसेस ऐसे हो गए जहां पे डबलेट नहीं है, तो 30/36 करके भी निकाला जा सकता है, है ना बेटा? 1/6। तो अब इसे मैं क्या लिख दूंगा? 1-1/6। ये मेरा 5/6 आएगा। किसी को कोई समस्या यहां तक मेरे बच्चों? नो सर। ठीक है, अब बेटा पहला केस क्या है मेरा? 4c3। उसने कहा कि भाई अगर जो तार बार थ्रो कर रहे हो तो मुझे सक्सेस चाहिए 3, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मैंने 1/6 मान ली पी। ओके? यस। तो टोटल 4 ट्रायल हैं और 3 सक्सेस हैं। तो पहले वाले के लिए, ए के लिए पी एक्स इक्वल टू 3 या आर इक्वल टू 3 मान लो, तो मैं लिखूंगा यहां पर 4c3 p/3 q/1 बन जाएगा। यस। कोई परेशानी? No, चलो अब देखो, अपने पास 4c3 की वैल्यू 4। yes, क्यों बेटा? 4c3 4 होगा, p की वैल्यू अपनी 1/6। yes, और q अपना 5/6। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर तो 5 बचेगा इंटू 4, वहां पे 5, यहाँ पे 4, और नीचे क्या हो जाएगी? 6/4 हो जाएगा बेटा। यस सर। और ऊपर 20। यस सर। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। बेटा किसी को डाउट? नो सर। चलो अब दूसरे वाले पे, उसने कहा नो मोर देन 2 सक्सेस, यानी कि 2 से ज्यादा सक्सेस नहीं चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये एक तरह से इसका जो केस है बी वाला, एक तरह से पूछ रहा है पी आर लेस देन इक्वल टू 2। सोचो क्या बेटा?
इसका मतलब क्या हुआ, दो से ज्यादा नहीं चाहिए तो आर लेस देन इक्वल टू टू होगा। यस सर। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं इसको इसको एक मिनट हटा लेता हूँ। अब ये होगा आपके पास इक्वल टू में फोर सी जीरो पावर जीरो क्यू पावर फोर, फोर सी वन पी वन क्यू थ्री, फोर सी टू पी टू क्यू टू। क्या मैंने सही लिखा बेटा? यस सर। ठीक है ना बेटा? यस सर। यस सर। अब बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो देखो, फोर सी जीरो तो हो गया, ये तो वन, P हो गया वन, और Q कितना है अपना 5/6, इसकी पावर कितनी बेटा? 4। यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर बेटा 4 इंटू 1/6 ये वाला, और यहाँ 5/6 की पावर कितनी बेटा? 3 प्लस ये वाला चलेगा नीचे वाला, ये कितना आएगा? 6। ये 6 बनेगा ना 4C2 तो बेटा। यस सर। देख लो और क्या लिखा जाएगा, ये यहाँ पर 1/6 पावर 2 एंड 5/6 पावर 2। क्या मैं ऐसा कर लूं कि नीचे 6 पावर 4 तो बना दो एलसीएम बेटा सबके लिए, बन जाएगा क्या बेटा? यस सर। अब ये वाला बनेगा 625 प्लस ये 125 इंटू 4 500 प्लस ये कितना आएगा 150 क्या बेटा? यस सर। ये कितना आ गया? ऐसे सही लिखा क्या मैंने? यस सर। ये 36 का स्क्वायर 1296 1296 है ना, होता है क्या? देख लेना एक बार, है ना। चलो अब मैं लेता हूं अपना सी पार्ट। उसने कहा नो लेस देन टू सक्सेस, मतलब दो से कम नहीं चाहिए। तो एक बात अगर मैं समझूं तो ये ऐसा नहीं बोला एक तरह से उसने, सोचो। यस सर। भाई इनडायरेक्ट वे में वो यही तो कह रहा है कि दो से ज्यादा नहीं चाहिए। यस सर। सॉरी, दो से कम नहीं चाहिए, दो से कम नहीं चाहिए। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. क्या लगाओगे? ये होना चाहिए 4C2 P2 Q2, 4C3 अब क्यों बेटा? दो से ज्यादा भाई, 2, 3, 4 तीनों चाहिए, P3 Q1 और 4C4 P4 Q0। ऐसा ही तो है बेटा कुछ? यस सर। यस सर। तो मेरे ख्याल में ये वैल्यू हो जाएगी। यस सर। निकाल सकते हैं? नहीं बताओ। यस सर निकाल। एक बार देख लो, एक बार ध्यान से, कुछ पूछना है तो बोल दो इसमें।